पलामू जिले के पाटन प्रखंड के किशनपुर मिडिल स्कूल के मैदान में खेलो झारखंड के तहत दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ पाटन प्रखंड प्रमुख शोभा देवी, बीपीओ अजय कुमार, किशनपुर पंचायत के मुखिया सुमन गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य संतोष उपाध्याय ने सामूहिक रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम का संचालक शिक्षक प्रियेश कुमार के द्वारा किया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड प्रमुख शोभा देवी ने बताया कि झारखंड सरकार की अच्छी पहल है, जिससे बच्चों में खेल प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। इस तरह के खेल प्रतियोगिता होने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। आज किशनपुर मैदान में खेलो झारखंड के तहत खेल को रखा गया है। इसमें चार तरह का आज खेल खिलाया जाएगा, खो खो, कबड्डी, 100 मीटर में दौड़, 200, 300। इसमें और कल में इसमें जो बच्चे प्रथम सेकंड आएंगे उनको दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और ये सरकार बहुत अच्छा योजना चला रही है कि बच्चों का इसमें मनोबल बढ़ता है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे खेल के बारे में, कैसे खेलना? खेल अच्छे से खेलना चाहिए और इसमें भावना नहीं रखना चाहिए हार जीत का, क्योंकि जो खेलता है वही सीखता है। जब हम खेलेंगे तभी सीखेंगे, हार जीत इसमें भावना नहीं होना चाहिए।